तो आप में से काफ़ी लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि मेरी जो AI ब्लॉग है या जो मैं केस स्टडीज़ बनाता रहता हूँ ब्राइट डायनो पे, जो कि कम्प्लीटली एक AI जनरेटेड वेबसाइट है जिसपे सारा कंटेंट ChatGPT और बाकी AI टूल से आता है, और फिर इसके ऊपर जो मैंने AdSense का अप्रूवल लिया था उसकी भी एक वीडियो बनाई थी। मगर क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने मुझे ये कहा था कि एक इसकी पूरी एक इन डेप्थ एक केस स्टडी वीडियो बना दूँ मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक, कि मैंने किस तरह स्टार्ट किया था, नीच किस तरह सेलेक्ट किया, कीवर्ड्स और कंटेंट किस तरह डाल रहा था मैं, उसके बाद फिर मैंने जब एडसेंस का अप्रूवल लिया तो उससे पहले मैंने क्या क्या किया। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में सब कुछ बताऊंगा, पूरी कंप्लीट डिटेल्स में जितनी भी डिटेल्स हैं मेरे पास इस वेबसाइट की उसको मैं पूरी तरह कवर करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, मगर मैं फिर भी यही कोशिश करूँगा कि जितनी मैं इसकी लेंथ वीडियो की कम रख सकूँ उतनी रखूँ और सारी आपको कंसाइज इन्फॉर्मेशन दूं और स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको समझ में आ जाए, ताकि अगर आप अपना ब्लॉग बनाते हैं या बनाना चाह रहे हैं AI से तो आप किस तरह बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको नीश सेलेक्ट करना पड़ता है जो भी वेबसाइट आप बना रहे हैं। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप एक ही नीश में काम करें, ऐसा ना हो कि आपने एक वेबसाइट बनाई है और उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों की बातें करें। अब जैसे ये अगर डायनासोर्स पे, तो मैं ये एक मैंने एक पर्टिकुलर नीश सेलेक्ट किया, इसमें आपको और कुछ भी नहीं नज़र आएगा। जैसे अगर एक एनिमल्स की वेबसाइट होती है तो उसमें आपको कैट्स नज़र आ जाएंगे, डॉग्स की कैटेगरी आ जाएगी, डायनासोर्स की आ जाएगी, टाइगर्स की आ जाएगी, बेयर्स की आ जाएगी, इस तरह अलग अलग कैटेगरीज होती, तो वो एक ब्रॉड नीश के अंदर काम करता है बंदा। मगर मैं कहता हूं कि आप एक सब नीश सेलेक्ट करें, जिस तरह मैंने कहा कि अभी एनिमल्स है तो मैंने एनिमल्स में से एक सब नीश सेलेक्ट किया डायनासोर्स का, उसके बाद फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया इसके ऊपर। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर आपको नीच सेलेक्ट करना हो कोई भी, तो आप गूगल पे आके ले सकते हैं लिस्ट ऑफ हॉबीज़। उसके बाद आपको जो है बहुत सारी यहाँ पे हॉबीज़ की लिस्ट मिल जाएंगी कि क्या क्या कर सकता है बंदा या क्या करते हैं लोग अपने जब उनके पास स्पेयर टाइम होता है, उनकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। इसके अलावा विकिपीडिया के इस पेज पर आ सकते हैं लिस्ट ऑफ हॉबीज़, इसके अंदर आपको सारी हॉबीज़ या जो स्किल्स लोगों की होती हैं या जो स्किल्स लर्न करना चाहते हैं लोग वो क्या क्या है। जिस तरह आप ये इंडोर्स के अंदर आप देख रहे हैं कि ये हेडिंग के अंदर कुकिंग है, एक्वेरियम है और ड्राइंग है, बास्केटबॉल है, तो इस तरह आपको अलग अलग इसके अंदर कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। आउटडोर्स के अंदर साइकिलिंग है, स्पोर्ट्स, रनिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ये सारे नीशेज़ हैं। कलेक्शन हॉबीज़, फिर ये अगेन फिर कॉम्पिटिशन हॉबीज़, उसमें इंडोर्स में बोलिंग, बॉक्सिंग, चेस, चेयर लीडिंग, बिलियर्ड्स, आउटडोर्स के फिर अलग यहाँ पे आपको बहुत सारे नीशेज़ मिल जाएंगे। तो ये एक तरीका है आपके पास, आप यहाँ पे आके विकिपीडिया पे आके ये हॉबीज़ के लिस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो गूगल पे जो भी आपको नज़र आ रही है वेबसाइट के हॉबीज़ की, उसके अंदर क्या क्या लोग करते हैं या क्या क्या सीखना चाहते हैं लोग, इस तरह करके आप एक नीश सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप ये देखें कि यहाँ पे अगर मैं सिंपल एक एज एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि मुझे एक नीश नज़र आता है रॉक क्लाइंबिंग का, तो अगर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और उसके ऊपर फिर मैं वेबसाइट बनाता हूँ, तो फिर मैं अब रॉक क्लाइंबिंग पे ही रहूँगा, मैं बाकी नीशेस पे अब नहीं जा सकता, साइकिलिंग, एयर स्पोर्ट्स, क्योंकि अब ये है तो सारे आउटडोर स्पोर्ट्स ही, मगर मैं अब सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पे रहूँगा, मैं अब दूसरे नीशेस पे नहीं जा सकता। सिमिलरली मैंने भी यही किया था जब वेबसाइट बनाई थी अपनी, तो मैंने नीश सेलेक्ट किया और क्योंकि मुझे खुद पर्सनली इस डायनासोर्स में इंटरेस्ट है तो मैंने वो नीश पिक किया। इसका फ़ायदा ये होता है जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है या जो चीज़ आप खुद सीखना चाह रहे हैं, अगर आप उस पर वेबसाइट बनाते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है, क्योंकि ब्लॉगिंग एक तरह कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा टायरिंग काम हो जाता है कुछ टाइम के बाद, 3-4 महीने बाद आप खुद थक जाएंगे क्योंकि इतना आपको लोड लगेगा, आप बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका एक चीज़ में पैशन होता है तो फिर आप इतनी जल्दी बोर नहीं होते, बल्कि आप उस पर काम करते रहते हैं। इसीलिए मैंने ये नीश सेलेक्ट किया। नीश सेलेक्ट करने के बाद मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैं सिर्फ वर्डप्रेस पे काम करता हूँ, मैं कभी भी ब्लॉगर रेकमेंड नहीं करता। पुरानी काफ़ी मैंने वीडियोस बनाई कि मैं क्यों रेकमेंड नहीं करता, इसी वजह से क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, ना आप ज़्यादा थीम्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ना प्लगइन्स की कोई इतनी ज़्यादा उसमें वराइटीज़ होती है। SEO के मामले में बहुत ज़्यादा आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है गूगल, मतलब ब्लॉगर, इस वजह से मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता। तो मैंने ब्लॉग बनाया अपना वर्डप्रेस पे और होस्टिंग मेरी हमेशा होस्टिंगर से होती है, लिंक मेरा अफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
मैं होस्टिंग का ही हमेशा रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि मेरी भी वेबसाइट सारी अगर आप देखेंगे या जितनी भी वीडियोज़ होती हैं उसके अंदर मैंने हमेशा यही कहा है कि मैं खुद पर्सनली होस्टिंगर यूज़ करता हूँ। तो अगर आपके पास वेब होस्टिंग नहीं है तो आप मेरे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, वो मेरा अफिलिएट लिंक होगा, और फिर आप अपनी होस्टिंग वेब होस्टिंग परचेस कर सकते हैं वर्डप्रेस की। करेंसी आपको जिस तरह मैं पाकिस्तान में हूँ तो मुझे मेरी करेंसी नज़र आ रही है, अगर आप इंडिया में होंगे तो आपको अपनी करेंसी नज़र आएगी, इस तरह अगर आप किसी और कंट्री से होंगे तो आपको अपनी लोकल करेंसी नज़र आ जाएगी। तो ये तो हो गया अब इसका सेटअप, लेकिन मैं अभी सेटअप करके नहीं बता रहा वर्डप्रेस का, क्योंकि वो बहुत ही इजी है। अगर आप होस्टिंगर से लेते हैं तो वन क्लिक पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है, तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा आपका, लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि वर्डप्रेस पे ही मैं सारी वेबसाइट्स बनाता हूँ, और ये भी वेबसाइट मेरी वर्डप्रेस पे ही है। उसके बाद आपको, आप चाहें तो वर्डप्रेस होस्टिंगर से लेके एक साल की होस्टिंग लेंगे तो आपको डोमेन फ्री मिल जाता है। मेरे पास ये डोमेन पहले से था, ब्राइट डायनो, कुछ टाइम पहले मैंने ये रजिस्टर किया था, लेकिन मैं इस पर काम नहीं कर रहा था, तो मैंने पहले ये एक अलग वेबसाइट थी, फिर मैंने इसको वर्डप्रेस में मूव कर दिया था, और फिर मैंने इसको एकदम शुरू से स्टार्ट किया, बिल्कुल मैंने मतलब ग्राउंड ज़ीरो जिसको हम कहते हैं ना, वहाँ से निकल के फिर वेबसाइट पूरी बनी थी। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया था, अब जिस तरह मैंने कहा कि वेब होस्टिंग हो गई, नीच मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं आ गया वर्डप्रेस, आप समझ लें इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉलेशन के बाद आप थीम्स पे आते हैं। देखें, थीम्स एडसेंस के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप नहीं दें, आपको जो थीम अच्छी लगती है आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं नीफ पे होता हूँ हमेशा, फ्री प्लान पे मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ, मुझे अच्छी लगती है। अगर आपको नीफ यूज़ नहीं करनी तो आप जनरेट प्रेस यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक्सी यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी होती हैं, एस्ट्रा एक अच्छी थीम है, उसके आप कोई भी फ्री वर्जन यूज़ कर लें, मगर थीम पे आपको इतना फोकस नहीं करना, आपको वैसे ही सिंपल सी एक वेबसाइट बनानी है। जितनी ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट बनाएंगे उतना आपको ही नुकसान होगा, और हो सकता है कि एडसेंस के अप्रूवल में भी आपको थोड़ी फिर प्रॉब्लम्स आ जाएं, इसलिए आपको हमेशा वेबसाइट बिल्कुल सिंपल रखनी पड़ती है। कोई इसमें आपको ज़्यादा कुछ मतलब इतनी हाईफाई बनाने की नीड ही नहीं, और इतना कोई टाइम स्पेंड भी नहीं करें आप, थीम कोई भी ले लें। मैंने जिस तरह का नीव लेता हूँ मैं। अच्छा, नीव को इंस्टॉल करने के बाद फिर मैंने क्या किया, ब्लॉग के लिए मैंने कीवर्ड्स स्टार्ट किए फाइंड करना। कीवर्ड्स पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं मेरी वीडियोस, आपको मिल जाएंगी, मगर फिर भी एज अ स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं इसी वीडियो में आपको बताऊं कि मैंने किस तरह से कीवर्ड्स को ढूंढा, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, मैंने AHRFs का फ्री कीवर्ड जनरेटर यूज़ किया था, और सॉरी मैंने जिस तरह मेरा नीश था डायनासोर्स, तो मैंने डायनासोर्स लिखा। अब मुझे कीवर्ड्स AHRFs में सजेस्ट करना शुरू कर दिए, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि डिफ़िकल्टीज़ वगैरह, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ की हाई है, और वॉल्यूम हालांकि अच्छा है मंथली वॉल्यूम, लेकिन क्योंकि मैंने कहा जिस तरह के कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत है। अच्छा, कीवर्ड डिफ़िकल्टी जिस तरह मैंने वीडियोज़ में कहा है कि ये आपका एक सेट रूल नहीं होता, ये कभी कभार आपको गलत भी आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी दिखा देते हैं, कोई भी आप AHRFs यूज़ कर रहे हो, सेम ब्रश कोई भी, क्योंकि इनके अलग अलग एल्गोरिदम होते हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको ये गलत डिफ़िकल्टी दिखा देता है, तो ये आपको फिर रिसर्च करनी पड़ती है मैनुअली कि क्या आप रैंक कर पाएंगे या नहीं। लेकिन मैंने जिस तरह लिखा कि मुझे कीवर्ड्स के अंदर मुझे जिस तरह बहुत सारे कीवर्ड्स नज़र आए यहाँ पे, मगर फिर मैंने क्या किया कि मैंने ये किया कि मैंने खुद, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि मुझे इंटरेस्ट था डायनासोर्स में, तो मुझे पता था कि डायनासोर्स अलग अलग तरह के होते हैं, मतलब अलग अलग स्पीसीज़ भी होती हैं, डाइट्स अलग अलग होती हैं, तो मुझे पता था कि तीन तरह के डायनासोर्स होते थे, ओमनिवोरस थे, कार्निवोरस थे, और एक हर्बिवोरस थे। लेकिन हर्बिवोरस की अगर आप देख रहे हैं मैंने कैटेगरी नहीं बनाई अभी तक, वो मैं बाद में बनाऊँगा। तो ओमनिवोरस डायनासोर्स और कार्निवोरस डायनासोर्स मुझे पता था कि मैं इस पे काम कर सकता हूँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने जो कीवर्ड था उसके लिए मैंने सबसे पहले जो सीड कीवर्ड था मैंने क्या दिया कि ओमनिवोरस डायनासोर्स। मुझे पता था कि ये कीवर्ड पे सर्चेज होंगी, तो मुझे नज़र आया कि 1.4 के वॉल्यूम अच्छा था, 1000 से ऊपर सर्चेज थी, और रिलेटेड कीवर्ड्स भी मुझे मिलने वाले थे। तो इस पर आप KD देख रहे हैं 2, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी हमेशा ज़रूरी नहीं होती है कि वो सही हो। तो मैंने जब कीवर्ड सेलेक्ट किया, उसके बाद अगर अभी आप पाकिस्तान के रीजन से मैं देखूंगा तो मेरी वेबसाइट पे इस कीवर्ड पे 1 2 3 4 5 6 पे आ रही है,
यूएस से अगर मैं देखूंगा तो 5 पे आएगी, कई और रीजन से देखूंगा तो 7 पे, तो ये थोड़ी फ्लक्चुएट होती रहती है, लेकिन नंबर 7 पे आई है। लेकिन इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा, ये मेन कीवर्ड है वेबसाइट का, 5 to 6 months गिव और टेक, आप कह सकते हैं कितना टाइम लगा मुझे इस पर रैंक करने के लिए। लेकिन क्योंकि जब वेबसाइट रैंक हो गई तो मुझे पता था कि और कीवर्ड्स भी मुझे मिलते रहेंगे, तो जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि, लेकिन आप कोशिश ये करें कि अगर आप एचरेस भी यूज़ कर रहे हैं तो आप KD 10 से कम वाले देखें, 987। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि मुझे पता था कि जो मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किया है तो इसके अंदर जो वेबसाइट्स मुझे नज़र आई शुरू में, वो मुझे पता था कि उन्होंने जो वेबसाइट्स आ रही हैं उनमें किसी ने भी ओमनिवरस डायनासोर्स वाले कीवर्ड को सही तरह ऑप्टिमाइज नहीं किया। हो सकता है कि 2-3 वेबसाइट्स ने किया था लेकिन बाकी मुझे नहीं नज़र आया। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, इसको आउटरैंक करना मुश्किल था मेरे लिए, अभी भी है। फैंडम को भी हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन चांसेस ये कि मैं बीट कर दूं। लेकिन मुझे पता था कि बाकी जितनी वेबसाइट्स हैं उन्होंने इतना ज़्यादा कंटेंट ऑप्टिमाइज नहीं किया था इस कीवर्ड के लिए। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन से मेरा मतलब है कितने वर्ड्स का आर्टिकल था, क्या कितने उन्होंने इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स, जो मैं बाद में बताऊंगा किस तरह होते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं की थी। तो मैंने ये एक सीड कीवर्ड लिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि अगर आपको और भी रिलेटेड कीवर्ड्स वगैरह चाहिए, जैसे आप समझ लें कि आपको एक वेबसाइट, मैंने वैसे काफ़ी बार बताई भी है कि एक वेबसाइट है आंसर सॉक्रेटीज़ के नाम से, आंसर सॉक्रेटीज़ के अंदर आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं। जिस तरह मैंने अपना टॉपिक ये दे दिया, ये मेरा सीड कीवर्ड था, मैंने फिर कंट्री सेलेक्ट कर दी यूएस में क्योंकि मुझे ट्रैफिक यूएस से चाहिए था, और फिर मैंने सर्च किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही अलग अलग कीवर्ड्स आ गए, आर से जितने थे कि आर टी रेक्स ओमनिवर्स, या आर देयर एनी ओमनिवर्स डायनासोर्स, या और बाकी इसके अलावा वेयर देयर एनी ओमनिवर्स डायनासोर्स, लेकिन खैर इनकरेक्ट है, विच के अंदर मुझे नज़र आया विच डायनासोर्स आर ओमनिवर्स, सही है, हाउ मैनी डायनासोर्स वर ओमनिवर्स, ये सारे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ बाद में इन द फ्यूचर वेबसाइट के अंदर। लेकिन मैंने इस तरह करके थोड़े कीवर्ड्स लिए, ओमनिवर्स लिया, कार्निवर्स लिया, ये एक कीवर्ड मुझे मिला था डायनासोर वैली स्टेट पार्क, ये मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने एक टॉयज़ की अलग कैटेगरी बनाई और फिर मैंने अलग ये आर्टिकल्स लिखवाए। मगर कीवर्ड रिसर्च मैंने बिल्कुल बेसिक रखी थी, मैंने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं किया था। मेरी बहुत वीडियोस हैं तो मैं अगर इस पे बताने जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, मगर ये मैंने एक आपको एज एन ओवरव्यू के तौर पे मैंने ये आपको बता दिया कि मैंने AHRFs यूज़ किया कीवर्ड्स के लिए, और आंसर सॉक्रेटिस जब मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स या रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए थे मैंने वो यूज़ किया। उसके अलावा मैं ऑटो सजेस्ट या ऑटो कंप्लीट अगर आप कहें, या जिस तरह जो गूगल का ऑटो सजेस्ट टूल होता है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसमें आप देख रहे हैं अगर मैंने ओमनिवर्स डायनासोर्स देखा तो मुझे नीचे रिलेटेड कीवर्ड्स मिल गए, ओमनिवर्स डायनासोर्स टीथ मिल गया, A to Z ओमनिवर्स डायनासोर्स फैक्ट्स, या अगर देखें, या अगर मैं आर ओमनिवर, या अगर मैं इस तरह लिखूं, देखें आर देयर एनी ओमनिवर्स डायनासोर्स, व्हाट आर सम ओमनिवर्स डायनासोर्स, तो ये रिलेटेड कीवर्ड्स मिलते हैं। देखें अगर तो आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको इसमें थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ेगा कीवर्ड रिसर्च में, लेकिन क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल एडसेंस का आपको बताना चाह रहा था केस स्टडी, तो मैं अभी फ़िलहाल एडसेंस पे ही रहूँगा। तो ये आप जो कीवर्ड्स आपको मिलते हैं आप वो लेके और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे काम कर सकते हैं, तो ताकि ट्रैफिक भी आता रहेगा आपके पास वेबसाइट में, साथ ही साथ आपको एडसेंस अप्रूवल में भी थोड़ी आसानी हो जाती है, जिस तरह मुझे अप्रूवल मिला था कुछ टाइम पहले। अब कीवर्ड सिलेक्ट करने के बाद, जिस तरह मैंने कहा कि सारा कॉन्टेंट ChatGPT का है, मेरी वीडियोस बनी हुई, आप वो जाके देख लीजिएगा कि मैं किस तरह कॉन्टेंट लिखता हूँ। सबसे पहला काम मैंने ये किया था कि मैंने जब कीवर्ड्स अपने सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद जो मेरे सबसे मेन कीवर्ड्स हैं, प्राइमरी कीवर्ड, जिस तरह ओमनिवर्स डायनासोर, ये सबसे मेन कीवर्ड था, कार्निवर्स डायनासोर, डायनासोर वैली स्टेट पार्क, ये तो कैटेगरी मैंने खैर काफ़ी बाद में बनाई थी, मगर ये तीन कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने क्या किया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पेजेस थे उनको मैंने पिलर पेज में कन्वर्ट किया। पिलर पेजेस किस तरह बनाते हैं, टॉपिक क्लस्टर्स किस तरह बनाते हैं, इसकी भी मैंने वीडियोज़ बनाई, आप जाके देख सकते हैं। टॉपिक क्लस्टर्स का मैं एक चीज़ ये बता दूँ, टॉपिक क्लस्टर्स जिस तरह भी ओमनिवर्स हैं डायनासोर्स, तो जितने भी कीवर्ड्स मुझे मिलते हैं इस कैटेगरी के अंदर वो मैं इसी के अंदर रखूंगा, मैं इसको इसमें नहीं डालूंगा। और जो कार्निवरस डायनासोर से कीवर्ड्स होंगे मैंने
उन्हें इसी में रखा, डायनासोर वाले स्टेट पार्क को मैंने सबको अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया अपनी अपनी एक कैटेगरी में, अपने अपने क्लस्टर्स में, ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं हो कि मैंने एक ही आर्टिकल को अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया। अब जो मैं पिलर पेज की बात कर रहा था आपको कि मैं पिलर पेज हमेशा पेजेस के अंदर बनाता हूँ और उसको फिर मैं रीडायरेक्ट कर देता हूँ रैंक मैथ के अंदर कैटेगरी को। ये आप ऑप्शनल है, अगर आप ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, लेकिन अगर आपको ये स्किप करना है आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप सिर्फ कैटेगरी के अंदर काम करना चाह रहे हैं तो कैटेगरी में करें, लेकिन उस एक पेज बना के रखें, पेज या पोस्ट या आपकी मर्जी, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट पेज होगा उस कैटेगरी का आपके लिए। तो मेरा ओमनिवर्स डायनासोर्स का ये पिलर पेज था, मैंने कंटेंट चैट जीपीटी से लिखवाया, 3000 प्लस वर्ड्स का है। मैं किस तरह लिखवाता हूँ ये आप देख लीजिएगा, वीडियोस मैंने डाली हैं। लेकिन अगर आप जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया तो मैंने कंटेंट जब लिखवाया चैट जीपीटी से, तो अगर आप ये भी देख रहे हैं कंटेंट, ये सब चलते जा रहा है कंटेंट, सही है। 3000 प्लस वर्ड से ऊपर का जो कंटेंट आपको ये नज़र आ रहा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने की थी। सबसे पहले जब कंटेंट मेरे पास चैट जीपीटी से आया तो मैंने मज़ीद प्रॉम्प्ट्स वगैरह दिए ताकि कंटेंट मेरा लंबा हो सके, लेंथ उसकी ज़्यादा हो सके, और मैंने हर एक को प्रूफ रीड किया फिर बाद में। और क्योंकि मुझे पता था कि जिस तरह ये ओमनिवर्स डायनासोर्स है, तो मुझे पता था कि डायनासोर्स की जिस तरह मैंने कहा स्पीसीज थी, तो मैंने उन्हें सेलेक्ट किया, फिर मैंने उनका एक अलग क्लस्टर बना दिया। इसी तरह आप जिस भी नीश के अंदर काम कर रहे होंगे तो आप ये सारी चीज़ें खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आपको जो नीश अच्छा लगता है आप वो चूज़ करें, उसके बाद जो आपको कीवर्ड्स मिलते हैं आप उनको सिलेक्ट करें, जो सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड होगा आपका, आप उसका पिलर पेज बनाएं। सबके पिलर पेजेस बनाने की नीड नहीं है। अब ये पेज जब मेरा रेडी हुआ तो मैंने क्या किया कि आप ये सारे देख रहे हैं, ये सारे अंदर के पेजेस हैं जो कि कैटेगरी के अंदर के हैं, मतलब ये जो टॉपिक क्लस्टर है ये उसके अंदर के क्लस्टर पेजेस हैं। अब अगर ये आप पेज देखेंगे तो ये फिर ये सब चैट जीपीटी का है, ठीक है। कंटेंट ये सारे 1000 प्लस वर्ड्स के आर्टिकल थे जो मैंने लिखे, उसके बाद फिर मैंने ये पब्लिश किए। और मैंने एक चीज़ जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि कंटेंट पब्लिश करने के बाद आपको सबसे पहले ये माइंड में रखना है कि इंटरनल लिंकिंग आप किस तरह करेंगे। इंटरनल लिंकिंग के लिए आपको क्लस्टर्स में काम करना पड़ेगा या कैटेगरी में। अगर आपको कैटेगरी में काम करना है आप करें, जिस तरह अगर ये ओमनिवर्स डायनासोर्स की कैटेगरी थी मेरे पास, तो मुझे जो जो रिलेटेड कीवर्ड्स लगे मैंने उसे डाले इसके अंदर, और फिर मैंने कंटेंट पब्लिश किया इस कैटेगरी के अंदर। और अब आप देखें तो यहाँ पे जितने भी आपको लिंक्स नज़र आएंगे ये सब इंटरनली लिंक्स है, जैसे गैलेमाइमस है। तो अगर नीचे आप URL देखें तो ओमनिवर्स डायनासोर्स या यहाँ पे और /गैलेमाइमस डायनासोर, ये मेरा एक ब्लॉग पोस्ट है। ये ब्लॉग पोस्ट मेरी गई सीधा ओमनिवर्स डायनासोर्स के कैटेगरी के अंदर या क्लस्टर के अंदर। मुझे पता था कि मुझे किस तरह इंटरनल लिंकिंग करनी है। तो आप जितने भी अब देखें, आप ये जितने भी पेजेस देख रहे हैं ये सब के सब आपको सिर्फ इसी जगह मिलेंगे, कार्निवरस ओमनिवर्स डायनासोर्स के अंदर, सही है, ये इसके अंदर आपको मिलेंगे। अब अगर आप कार्निवरस डायनासोर्स के अंदर आएंगे, ये खैर क्लस्टर पूरा कंप्लीट नहीं है मेरा, इसमें मुझे और भी पेजेस डालने हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अब ये इसके अंदर जो इंटरनल लिंकिंग हुई हुई है, इसके अंदर जैसे ये देखें, ये टायरानोसॉरस रेक्स आपको नजर आ रहा है, ये मैं क्लिक करूंगा तो अब ये खुल गया इसी कैटेगरी के अंदर। तो मैंने एक एक कैटेगरी बनाई सबके लिए, अलग अलग आर्टिकल्स के लिए जो मुझे लगता था कि जिनका मैं क्लस्टर बना सकता हूँ। या अगर आप एलोसॉरस पे देखें तो एलोसॉरस पे मैं क्लिक करूँ तो ये कार्निवरस डायनासोर्स के अंदर की कैटेगरी के अंदर का एक पेज है, ना कि ओमनिवरस डायनासोर्स। तो ये चीज़ आप जो भी नीश में हो, आपको अगर लगता है कि आप अलग अलग कैटेगरीज बनाते हैं, तो काइंडली एक चीज़ आप हमेशा ये करें, जितने रेलेवेंट आर्टिकल्स एक कैटेगरी में होंगे वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। आप अक्रॉस द बोर्ड जो है हर चीज़ नहीं कर सकते कि आप एक आर्टिकल को इस कैटेगरी में डाल रहे हैं, इस कैटेगरी में डाल रहे हैं। आप डाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना। इससे बेहतर ये है कि इस सिंगल आर्टिकल सिंगल कैटेगरी, बस इस चीज़ को याद रखें, ताकि इंटरनल लिंकिंग में भी आसानी रहे आपको, ताकि आपको मालूम तो पड़ सके कि हाँ भाई मैंने अगर ये क्लस्टर बनाया तो मेरे पेजेस इस कैटेगरी के अंदर मुझे नज़र आ रहे हैं, या वर्डप्रेस के अंदर अगर आपने जाके देख लिया तो आपको आइडिया हो सके कि मैंने कौन सी कैटेगरी के अंदर मैंने कौन कौन से पेजेस डाले हुए हैं। जिस तरह वर्डप्रेस की कैटेगरीज में हैं, तो आप ये देखेंगे कार्निवरस डायनासोर में 10 पेजेस हैं, ये नॉलेज की एक कैटेगरीज में एक है,
टॉयज के सेक्शन में 7 है, इस क्लस्टर में 13 है, न्यूज़ के सेक्शन में 7 है, ओमनिवर्स डायनासोर में 31 है। तो ये आपको आइडिया पड़ सके ताकि आप इंटरनल लिंकिंग जब करें तो आप एक ही कैटेगरी या एक ही क्लस्टर के अंदर करें, बार बार इधर उधर ना चले जाएं। तो मैंने ये काम कर दिया। उसके बाद कंटेंट जिस तरह मैंने कहा चैट जीपीटी से आया। अच्छा, इसके अलावा मैंने जब एडसेंस पे अप्लाई किया तो मैंने जिस तरह मैंने कहा कि मैंने 5 से 6 महीने बाद अप्लाई किया, लेकिन ये आपकी मर्जी, आप चाहें तो 1 महीने के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने आप ज़्यादा काम करते हैं वेबसाइट पे, क्योंकि मैं तो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता हूँ डेली बेसिस पे। तो मैंने इस वेबसाइट पे थोड़ा काम भी फिर बीच में स्लो कर दिया था, लेकिन क्योंकि केस स्टडीज़ बनानी थी मुझे, तो फिर मैंने थोड़ा काम को अपना स्पीड अप किया और फिर मैंने वेबसाइट बनाई। लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो महीने में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता इसके अंदर। लेकिन कोशिश ये करें कि आप 3 से 4 कैटेगरीज़ मिनिमम रखें। सही है, मिनिमम 3 से 4 कैटेगरीज आपको रखना ज़रूरी है एडसेंस के अप्रूवल के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने भी यही किया, जब वेबसाइट मैंने बनाई तो मैंने आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 कैटेगरीज मैंने डाली थी। उसके बाद फिर मुझे अप्रूवल मिला था। सबसे इंपॉर्टेंट मेरी एक ही यही कैटेगरी थी। तो आपका जो भी नीचे देखें, अगर आप अब जैसे समझें कि अगर आप किसी भी नीच के अंदर हैं, मिसाल के तौर पे आपने एज एन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि आपने समझें कि क्रिकेट सेलेक्ट किया, तो क्रिकेट के अंदर आप क्या क्या कैटेगरीज बना सकते हैं। क्रिकेट के अंदर आपने T20 क्रिकेट की अलग कैटेगरी बना दी, आपने न्यूज़ की एक अलग कैटेगरी बनाई, आपने टेस्ट क्रिकेट की अलग क्रिकेट कैटेगरी बना दी, वनडे इंटरनेशनल की एक क्रिकेट कैटेगरी बनाई, एक क्रिकेट रिकॉर्ड्स की कैटेगरी बना दी, और उसके अलावा आपने एक स्ट्रीट क्रिकेट की बना दी, या इंडोर क्रिकेट की या आउटडोर क्रिकेट की आपने बना दी एक कैटेगरी जिसमें आपको पता है कि आप कंटेंट ज़्यादा लिख सकते हैं। तो इस तरह आप एक नीश के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज बना सकते हैं। ये मैं आपको एज एन आइडिया दे, मतलब एक आइडिया के तौर पे मैंने आपको बताया। ये आपकी मर्ज़ी है, आपका जो भी नीश होगा फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जिस तरह मैंने कहा कि फिर मैंने कैटेगरीज वगैरह जब मेरी हो गई, जब मेरा कंटेंट डालना शुरू हो गया, तो सबसे पहले मैंने एक काम ये किया था कि मैंने एक कैटेगरी को पहले कंप्लीट किया। मैं दूसरी कैटेगरी पे मैंने जंप नहीं किया, सबसे पहले ये कैटेगरी कंप्लीट की। नहीं, सबसे पहले डायनासोर वैली स्टेट पार्क मैंने कैटेगरी बनाई थी, या क्लस्टर आप कह दें। तो ये सबसे बड़ा आपको सबसे बड़ा पेज मेरा नज़र आएगा जो कि पिलर पेज है, 3 to 5 पेजेस से ज़्यादा नहीं है वेबसाइट पे। उसके बाद आप हमेशा एक चीज़ याद रखें कि आप जब भी काम करते हैं तो पहले एक कैटेगरी को कंप्लीट करें। एक कैटेगरी को जब आप नेल डाउन कर देंगे उसके बाद फिर आप दूसरी कैटेगरी पे जंप करें, वरना प्रॉब्लम ये होती है एडसेंस के अप्रूवल में कि आप ज़्यादा कैटेगरीज बनाते हैं, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि अगर आप ये कैटेगरी मैंने एडसेंस के अप्रूवल के बाद बनाई थी, सही है। तो जिस तरह मैं कहता हूं कि हर कैटेगरी में आपको मिनिमम 6 से 7 आर्टिकल ज़रूरी हैं, कोशिश करें कि 10 हो। मैंने इस पर भी 7 है, 13 इस पर भी 7, इस पर भी 31 इस पर भी है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप शुरू में ही मल्टीपल कैटेगरीज पे काम करना स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है कि आप थोड़े जल्दबाजी कर दें और फिर एडसेंस के अप्रूवल के लिए आप समझे कि वेबसाइट रेडी है, मगर ऐसा होता नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी ये होती है बाद में कि आपने अगर किसी एक भी वेबसाइट के कैटेगरी के अंदर थोड़े कम पेजेस डाले तो हो सकता है कि एडसेंस आपको रिजेक्ट कर दे लो वैल्यू कॉन्टेंट की वजह से, ये होता है अक्सर। इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप पहले एक कैटेगरी को कंप्लीट करें फिर दूसरी कैटेगरी पर जंप करें। इस तरह नहीं करें कि बार बार आप हर कैटेगरी के ऊपर एक साथ काम करें, बेहतर ये कि पहले एक कैटेगरी कंप्लीट, उसके बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह आप काम स्टार्ट करें। उसके अलावा जब वेबसाइट पे सारी चीज़ें ये रेडी हो गई, जब मेरे सारे कैटेगरीज रेडी हो गई, पेजेस रेडी हो गए, फिर मैंने काम किया एडसेंस के अप्रूवल के लिए कि मैंने, अगर आप नीचे देखेंगे तो फुटर में कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं जो आपको डालना ज़रूरी होता है। फुटर की मैं बात कर रहा हूँ, ये फुटर है, इसमें आप एक नेविगेशन का सेक्शन बना दें, रीसेंट पोस्ट, डिस्क्लेमर अगर आपको डालना है आप डालें। इसमें प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडसेंस के लिए, टर्म्स एंड कंडीशंस, डिस्क्लेमर, एफिलिएट डिस्क्लोजर, ये आपकी मर्जी, अगर आप अमेज़ॉन पे हैं तो आप ये डालें, कॉन्टैक्ट अस डालें, साइट मैप को ज़रूर डालें। साइट मैप के लिए आपको रैंक मैथ का प्लगइन मिल जाएगा, मैं प्लगइन्स का बताऊंगा बाद में आपको। तो ये सारी चीज़ें आपने कर ली। उसके अलावा
आपकी जो नेविगेशन बार है उसे आप सिंपल रखें, उसको क्लटर नहीं करें, और अगर आपको साइड बार नहीं डालनी तो नहीं डालें। मेरी किसी भी वेबसाइट पर साइड बार नहीं होती, अगर आप डालते हैं तो उस पर थोड़ा हल्का हाथ रखें, ज़्यादा उसे लोड नहीं कर दें, मतलब उस पर इतने ज़्यादा टेक्स्ट नहीं डाल दें, हो सकता है कि एडसेंस इस वजह से भी आपको रिजेक्ट कर दे। तो आपको वेबसाइट सिंपल रखनी है, जिस तरह आप ये मेरी नेविगेशन बार देख रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं है, अबाउट का पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज और कॉन्टैक्ट का पेज, आप कोशिश करें कि इसे नेविगेशन बार में ही रखें। अप्रूवल मिल जाए उसके बाद भले आप ये प्राइवेसी पॉलिसी को हटा के भले नीचे डाल दें, लेकिन शुरू में आप रखें, जब अप्रूवल जब आप रिक्वेस्ट करते हैं एडसेंस के लिए, तब उससे पहले ये चीज़ें करके रखें। उसके बाद जब ये पेजेस मैंने डाल दिए, फिर मुझे लग रहा था कि साइट थोड़ी रेडी हो गई, लेकिन फिर भी मैंने एक और काम ये किया था कि मैंने अपनी इंटरनल लिंकिंग, जिस तरह मैंने पहले कहा कि अपनी इंटरनल लिंकिंग को मैंने फिर स्ट्रॉन्ग किया, वो मैंने किस तरह किया कि जब आपके सब पेजेस रेडी हो जाए उसके बाद फिर आप अपडेट कर दें, जैसे आपको लग रहा है कि आपको एक कैटेगरी के अंदर आपको लग रहा है कि हाँ यार मैं किसी कीवर्ड को लिंक कर सकता हूँ, अपने इंटरनल लिंक कर सकता हूँ किसी और आर्टिकल से, जिस तरह आप ये देख रहे ओमनिवर्स डायनासोर, ये मेरा पिलर पेज पे मैंने इसे इंटरनल लिंक किया हुआ है इस आर्टिकल को, तो ये चीज़ें आपको भी करनी है, लेकिन ये आप बाद में कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में अगर न्यू वेबसाइट है तो जाहिर सी बात है एक दो पेज होंगे तो आप किस तरह इंटरनल लिंकिंग करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे जैसे आप कंटेंट डालते जाएंगे वेबसाइट पे, उसके बाद फिर आप इंटरनल लिंकिंग स्टार्ट कर दें, अपनी पोस्ट को जाके एडिट करें, फिर आप देखें कि आप कहाँ कहाँ पे लिंक्स डाल सकते हैं। इसके लिए प्लगइन एक आता है, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, लिंक उस पर फ्री आप डालें, यहाँ पे होगा ये वाला ये प्लगइन, लिंक उस पर फ्री आप डाल के रखें, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी जगहों पे आप इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, फिर मैंने एक और मरतबा चेक किया कि कोई भी वेबसाइट पे इनकम्प्लीट पेज तो नहीं है एडसेंस के लिए। मैंने ये चेक किया कि ऐसा तो नहीं हो कि मैंने कहीं कोई ऐसा पेज या कोई ऐसी यूआरएल मेरी वेबसाइट पे है जिस पे 404 नॉट फाउंड वगैरह आ रहा है, तो मैंने ये चीज़ ये आपको भी चेक करनी हो कि कोई भी ब्रोकन लिंक नहीं हो आपकी वेबसाइट पे और कोई इनकम्प्लीट पेज नहीं हो, यहाँ तक कि अगर आपका कॉन्टैक्ट अस पेज भी है वो भी आपका कंप्लीट होना ज़रूरी है। सही है, आप उसे भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं, कोई पेज हो आपको नज़र नहीं आता लेकिन एडसेंस के क्रॉलर या बॉट को नज़र आ जाता है कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है। तो ये चीज़ आपको हमेशा चेक करनी पड़ेगी कि ऐसा तो नहीं कोई इनकम्प्लीट या ब्रोकन लिंक है, क्लिक कर रहे हैं और पेज खुल नहीं रहा, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है ज़रूर। यही मैंने किया था जब मैंने अप्रूवल के लिए एडसेंस पे भेजी थी वेबसाइट, उससे पहले मैंने चीज़ें करके रखी थी। और आर्टिकल्स की जहाँ तक बात है, तो कंटेंट के लिए जिस तरह मैंने एक अभी वीडियो बनाई थी थोड़े दिन पहले, उसमें मैंने कहा था कि आप जो टाइप्स ऑफ कंटेंट होते हैं अलग अलग, उसमें जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स भी हैं, मेरे पास रिव्यू बेस्ड आर्टिकल्स भी हैं, ये वाले ये आप चाहें तो ना लिखें कोई मसला नहीं है, ये क्योंकि मैंने पेड टूल यूज़ किया था, क्वाला नाम है इसका, AI ऑटो ब्लॉगिंग टूल है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसकी वीडियो मैं अभी कुछ दिनों में बनाऊंगा ताकि अगर आपको सारी चीज़ ऑटोमेट करनी हो तो वो भी कर सकते हैं, मगर ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप ChatGPT से भी लिखवाना चाह रहे हैं या क्लॉड से तो लिख सकते हैं आप, लेकिन इसके लिए जो रिव्यू बेस्ड आर्टिकल्स होते हैं उसके लिए आपको पेड टूल लेने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपको नहीं करना कोई मसला नहीं। इसके अलावा एक मैंने वीडियो बनाई थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एडसेंस के लिए, वो है न्यूज़ आर्टिकल्स, वो मेरी वीडियो आपको नज़र आ जाएगी, आप जाके सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कार्ड्स के अंदर जो YouTube के कार्ड्स होते हैं आपको यहाँ पे राइट साइड पे नज़र आ जाएगी वो वीडियो, उसका मैं लिंक डाल दूंगा ताकि आपको यहाँ नज़र आ जाए, आप ये जाके देख सकते हैं। न्यूज़ आर्टिकल्स जो होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है गूगल की नज़र में, मैंने भी यही किया जब मैंने अप्लाई किया, तो उससे पहले मैंने 6-7 आर्टिकल्स डाल दिए, क्योंकि ये कंटेंट न्यूज़ का जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू कंटेंट होता है, और ये आपको करना भी कुछ ज़्यादा नहीं, आप रीराइट करवा सकते हैं ChatGPT में जाके, मैंने जो वीडियो बताई है, आपको सर्च करना है कि जो भी आपका नीश है उसमें आपको कौन कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ नज़र आ रही है, आप वो उसे कॉपी करेंगे फिर ChatGPT से रीराइट करवा लेंगे, वीडियो देख लीजिएगा आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये मैंने काम किया, और फिर जब ये न्यूज़ वाली कैटेगरी कंप्लीट हो गई फिर मैंने अप्रूवल के लिए भेज दिया एडसेंस पे, और उसके बाद आई थिंक विद इन 24 आवर्स मुझे अप्रूवल मिल गया था, जो कि मैंने वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर की थी। अच्छा, अब यहाँ तक तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब मैं कुछ थोड़े आपको अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने जो मेरे हुए हैं ये वेबसाइट से, वो मैं शेयर करूँगा, और जो आपके जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं अब मैं वो थोड़े आंसर कर दूँ। कि देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि
कंटेंट अगर आप चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं या ओरिजिनल कंटेंट लिखवा रहे हैं, लेकिन अगर आप, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपने अपने कंटेंट को प्रूफ रीड नहीं किया है, अगर आपने जिस तरह भी इमेजेस देख रहे हैं या इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग अगर आपने नहीं की है वेबसाइट के अंदर, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है अप्रूव कर दे एडसेंस, लेकिन बहुत फिर आप अपने चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं। अगर आप चैट जीपीटी से भी कंटेंट लिखवा रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर में अपना कंटेंट डालें। जिस तरह आप कोई भी मेरी वेबसाइट का पेज देख लें, आपको एक स्ट्रक्चर में नज़र आएगी वेबसाइट। कहीं मैंने टेबल्स डाले हैं, वो भी चैट जीपीटी से, कहीं मैंने इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग की हुई है, और दूसरी वेबसाइट्स को भी मैं लिंक करता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी ही वेबसाइट के लिंक हैं, जिस तरह आप ऑस्ट्रेलियन डॉट म्यूज़ियम देख रहे हैं, इस तरह मैंने बहुत वेबसाइट्स को अपने अलग अलग पेजेस में लिंक किया हुआ है, ताकि लिंक जूस दूसरी वेबसाइट को भी मिल सके और गूगल को नज़र आए कि ठीक है आप दूसरों को भी लिंक करते हैं। ये चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एडसेंस के अप्रूवल के लिए भेजते हैं। तो एक मरतबा अपना कंटेंट प्रूफ रीड कर लें, उसके बाद भेजें और देखें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अप्रूवल आए, हो सकता है कि नहीं आए, या हो भी सकता है कि आप ही जाए। ये देखें, अब ये मैं इसीलिए कहता हूँ कि कभी भी कोई गारंटी अगर आपको देता है ना बंदा कि मेरी आप ट्रिक्स फॉलो करें और गारंटीड आपको अप्रूवल मिलेगा, वो आपको सीधा सीधा चेपी लगा रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि एडसेंस देखें किसी के मामा या ताया की प्रॉपर्टी नहीं है, जायदाद नहीं है। एडसेंस गूगल की एंटिटी है, वो सिर्फ गूगल के डिस्क्रेशन पे है कि वो किसे अप्रूव करना चाहता है और किसे नहीं। और एडसेंस बहुत मूडी होता है, कभी कभार अप्रूव कर देता है ऐसी वेबसाइट्स जो आप यकीन भी नहीं करेंगे, और कभी कभार ऐसी वेबसाइट्स को वो रिजेक्ट कर देता है जिस पे लोग महीनों सालों लगा देते हैं। ये अब एडसेंस के ऊपर है, लेकिन आपको इतनी कोशिश करनी है कि कम से कम जो बेसिक गाइडलाइंस है एडसेंस की, वो तो आप फॉलो करके रखें, ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएं अप्रूवल के। अच्छा, अब जब अप्रूवल मिल गया तो फिर जिस तरह मैंने कहा कि काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास आए, अब मैं उसे जल्दी जल्दी एड्रेस करते जाता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं लोगों के दिमाग में। कि एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि यार हमने तो वेबसाइट बना के डाल दी, हमें तो रिजेक्ट कर दिया एडसेंस ने, जबकि मेरा कॉन्टेंट भी सही है, सब कुछ सही है। यार ये तो आपको लग रहा है ना आपका कॉन्टेंट सही है, आपने कभी चेक किया कॉन्टेंट को, या अगर आपने किसी से प्रूफ रीड करवाया कॉन्टेंट को, या आपको लगता अगर जिस तरह लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता है एडसेंस पे, तो उसका ये मतलब होता है कि आपका कंटेंट इतना वैल्यूबल नहीं है। उसको आप बायपास करने के लिए एक तरीके से आप न्यूज़ के आर्टिकल्स डाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई आपको गारंटी नहीं है कि आपको अप्रूवल मिलेगा। लेकिन फिर भी जो आपका मेन कंटेंट है वेबसाइट का, वो तो आप कम से कम ऐसा रखें कि बंदा आएगा तो वो कम से कम उसे अच्छा तो लगे देखने में कि हाँ ठीक है यार कंटेंट इसका नए जो वेबसाइट में डाला है वो काफ़ी अच्छा है, वो पढ़ने लायक है। तो ये सारी चीज़ें करके आपको रखनी पड़ती है। मैंने जिस तरह कहा कि अप्रूवल तो मिल गया मुझे, लेकिन फिर जब मैंने वीडियो डाली तो लोगों ने मुझे ये कहा कि हमें अप्रूवल नहीं मिल रहा है और हमने कंटेंट भी सही डाला है। मगर यार कंटेंट ज़रूरी नहीं है कि आपका सही हो, बहुत मिस्टेक्स होती हैं लोगों के कंटेंट के अंदर, और लोग कभी भी जल्दबाजी में चेक ही नहीं करते। मैं जिस तरह कहता हूँ कि एडसेंस कभी हो सकता है आपको अप्रूव कर दे, कभी हो सकता है रिजेक्ट कर दे, ये एडसेंस का डिस्क्रिप्शन पे आप कुछ नहीं कर सकते। कम से कम इतनी तो आप कोशिश करें कि वेबसाइट तो ऐसी बनाएं कि आपको भी लगे, और जब सामने वाला बंदा भी आए तो वो बोले कि हाँ यार वेबसाइट पे काम तो हुआ हुआ। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट खाली ज़बरदस्ती आपने एक फिलर के तौर पर वेबसाइट बना दी जिसमें खाली आपने आर्टिकल्स डाल दिए ज़बरदस्ती। तो ये चीज़ें करके रखनी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया कि हम जो है अपना कितनी कैटेगरीज बनाएं। तो जिस तरह मैंने कहा कि देखिए 3 से 4 कैटेगरीज रखें, और आर्टिकल्स मैंने जब अप्लाई किया तब तो मुझे याद भी नहीं है, शायद मैंने 50 या 60 आर्टिकल्स, नहीं मेरे ख्याल से 68 से 70 के आसपास मेरे आर्टिकल्स थे जब मैंने अप्लाई किया। देखिए ये सेट रूल नहीं है, काफ़ी लोगों को 20 आर्टिकल्स पे भी अप्रूवल मिलता है, 10 पे भी मिलता है, लेकिन जो मेरी एस्टिमेशन कहती है, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, यू शुड पुट एटलीस्ट 40 to 50 आर्टिकल्स। ठीक है, इतने आर्टिकल्स आप डाल के रखें अपनी वेबसाइट पे, एंड आई हैव एटलीस्ट 3 or 4 कैटेगरीज, 3 से 4 कैटेगरीज रखें अपनी वेबसाइट पे कम से कम, ताकि आप सेफ साइड पे रहें, और बाकी जो बेसिक पेजेस होते हैं वो आप डाल के रखें। और इसके अलावा अब थोड़े मैं प्लगइन्स की बात कर लूँ कि कौन कौन से प्लगइन्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। देखें एक प्लगइन आपको जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो रैंक मैथ की, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है SEO के अंदर, आपको बहुत हेल्प करता है। साइट किट डाल के रखें, साइट किट डॉट गूगल स्मश आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इमेज कंप्रेस करनी हो। मगर इससे अच्छा प्लगइन से अच्छा जो है ना एक वेबसाइट है, जिस तरह मैंने काफ़ी बार कही, टाइनी PNG, यहाँ के आप अपनी इमेजेस को मैनुअली कंप्रेस करें तो इससे और ज़्यादा फाइल जो इमेज साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है।
लिंक विस्पर का मैंने बता दिया आपको, GDPR कुकी कंप्लाइंस ये डाल के रखें तो एक पॉपअप खुलता है जो कि GDPR का होता है। ईजी टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स बहुत ज़रूरी है, ये आप जो ये कॉन्टेंट देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली ये टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स बन जाता है, ये डाल के रखें आप अपनी वेबसाइट पर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी तो ऑटो अपलोड इमेजेस वो ये, अगर आप एक्सटर्नल साइट से डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्लग इन अपलोड कर देता है आपके सर्वर पे। ऑटो अमेजॉन लिंक्स, अगर आप अमेजॉन से अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करते हैं तो ये भी डाल के रखें। ऑल इन वन WP माइग्रेशन आप बैकअप्स बनाने के लिए रखें। एडवांस पोस्ट ब्लॉक और जो ऑटर है ये आपके पेज एडिटर्स होते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, और फिर आपको अलग अलग ये ऑप्शन देते हैं कस्टमाइज करने का कि आपको किस तरह अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना है या किसी एक पेज को आप किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं, ये उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। डिसेबल सोर्स, ये होता है कि राइट क्लिक आपकी वेबसाइट पर डिसेबल हो जाएगा, कंटेंट कोई कॉपी नहीं कर सकता। दो तीन तरीके होते हैं, लेकिन अगर आप खोलते हैं वेबसाइट तो इतनी आसानी से कॉपी नहीं होगा। हाँ, आपको थोड़े सोर्स वगैरह से जाके शायद आपको मिल जाए, लेकिन आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट पर फिर वो नहीं मिलता कॉन्टेंट, तो ये भी आपको डालना है, आपकी मर्जी है। तो जिस तरह मैंने कहा कि ये कुछ प्लगइन्स है जो मैंने डाल के रखे थे, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जितने कम प्लगइन्स रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। इसमें भी अभी मेरे थोड़े अननेसेसरी प्लगइन्स हैं 3 से 4 जो कि मुझे डीएक्टिवेट करने हैं, तो जितने कम प्लगइन्स होंगे उतना बेहतर होगा। और इसके अलावा साइट मैप के लिए जिस तरह मैंने कहा कि रैंक मैप आप यूज़ कर सकते हैं, रैंक मैप पे भी वीडियोज़ मेरी काफ़ी हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो ये एक तरीका था जो मैंने आपको बता दिया, पूरा सब कुछ मैंने आपको वैसे भी ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई हुई यार, बस ये मैंने सोचा कि एक पूरी कंप्लीट वीडियो में आपको थोड़ी और चीज़ें एक साथ इन डेप्थ आपको बता सकूं कि मेरा क्या प्रोसेस था स्टार्ट से लेकर एंड तक। और बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं जल्दी जल्दी आपके बता दूं जो आप काफ़ी पूछते हैं मुझसे कि कितने वर्ड्स का आर्टिकल होने चाहिए, ये आपकी मर्जी है। कोशिश करें कि 1000+ वर्ड्स से आप ऊपर के आर्टिकल्स रखें। मैं जिस तरह मेरी वेबसाइट में आपको 1000+ वर्ड्स से ऊपर के भी मिलेंगे, 800-600 वर्ड्स के भी मिलेंगे, और 3000 से ऊपर के भी मिलेंगे, 3500 से भी ऊपर के आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। ये आपकी मर्जी है कि आपको कितने वर्ड्स के आर्टिकल लिख लें, लेकिन कोशिश करें 1000+ वर्ड्स से ऊपर के रखें। 40-50 आर्टिकल्स मिनिमम, 3 कैटेगरीज या 4 कैटेगरीज, ये तो बेसिक आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट है एडसेंस की, जो कि मैं समझता हूँ। अगेन, हर किसी के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, किसी और का होगा तो वो एक अलग बात है, मगर क्योंकि ये AI वेबसाइट थी तो मैं ज़्यादा मतलब कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था कि रिजेक्ट पड़े फिर बाद में फिर रिप्लाई करना पड़े, इसीलिए मैंने थोड़ा वेट किया था। और ट्रैफिक की जहाँ तक बात है कि आप कहते हैं काफ़ी लोग कि कितना ट्रैफिक मैटर नहीं करता एडसेंस पे यार, आपके चाहे 10 बंदे आ रहे हों 20 बंदे आ रहे हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक महीने के अंदर भी वेबसाइट खड़ी कर दें अपनी पूरी, उसके बाद अप्लाई कर दें, हो सकता है आपको अप्रूवल मिल जाए। तो आपकी स्पीड पर डिपेंड है ना कि आप कितनी जल्दी काम करते हैं। बाकी SEO के हिसाब से मेरे अगर आप जो एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो आप डेली के 3-5 आर्टिकल्स AI से डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा मत डालें, वरना हो सकता है कि इन द लॉन्ग रन आपकी वेबसाइट को थोड़ा नुकसान पड़ जाए। एडसेंस से तो हो सकता है अप्रूवल मिल जाए, लेकिन SEO के परस्पेक्टिव से आपको आपकी वेबसाइट को नुकसान पड़ सकता है, तो ये चीज़ भी आपको अपने माइंड में रखनी है। इसके अलावा अब एक दो क्वेश्चंस और मैं जल्दी आपके एड्रेस कर दूं जो आप पूछते रहते थे कि इस वेबसाइट से, वो ये कि इमेजेस वगैरह कहाँ से लेता हूँ मैं। इमेजेस के लिए मैं गूगल इमेजेस से लेता हूँ, लेकिन फिर मैं अगर किसी की इमेज लेता हूँ तो मैं उसे लिंक देता हूँ, ठीक है। अगर आप ये इमेज देख रहे हैं कि आप यहाँ पे ये इमेज क्रेडिटी आ गई, ठीक है, और इमेज क्रेडिट यहाँ पे आ गया, और अगर कोई और मुझे ये तो खैर दिख नहीं रहे मुझे भी, बहरहाल तो ये एक तरीका है कि आप इमेज की इमेज क्रेडिटी दे सकते हैं और लिंक बैक कर सकते हैं, लेकिन ये भी अगेन ये थोड़ा ग्रे एरिया है। अगर कोई बंदा चाहे वो कहे कि आप मेरी इमेज हटा दे तो आपको हटानी पड़ेगी, ये एक तरीका है। सेकंड तरीका है पिक्सल्स या पिक्सब है, आप कोई भी वेबसाइट पर चले जाएँ, पिक्सल्स पर आपको फ्री फोटोज़ मिल जाती हैं यहाँ पर, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें आपको क्रेडिट देने की भी नीड नहीं होती, ये आपकी मर्जी है। और थर्ड है डाली को आप बिंग इमेजेस में यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी आती। बाकी इसके अलावा पेड AI इमेज जनरेशन टूल्स होते हैं तो मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ, लेकिन इस पे मैंने ज़्यादातर मैंने फ्री इमेजेस ही उठाई थी, बाकी पिक्सल्स पिक्सा बेसिक थी। तो ये तरीके होते हैं इमेजेस के। इसके अलावा एक और ये क्वेश्चन आपका आता है कि हम जो है वेबसाइट जब बना लेते हैं अपनी तो उसको हमने जब बना दी तो एडसेंस से हमें रिजेक्ट पड़ गया, तो अब हम क्या करें। देखिए, एडसेंस जब रिजेक्ट करता है उसके बाद कोई रीज़न उसका क्लियर कट नहीं होता, भी आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा
कि भाई कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। एडसेंस तो लो वैल्यू कंटेंट लिख देगा या हो सकता है कोई और रीज़न दे दे, लेकिन हो सकता है नेविगेशन का दे दे, लेकिन पर आपको ये चीज़ देखनी है ना कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वेबसाइट के अंदर कंटेंट के अंदर प्रॉब्लम है या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ आपको अपने एंड पे देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर एडसेंस से रिजेक्ट, अच्छा एक और क्वेश्चन कि अगर एडसेंस से रिजेक्ट पड़ जाते तो हम कितने टाइम बाद अप्लाई करें। देखिए आप चाहें तो एक वीक के बाद अप्लाई कर दें, आप दो दिन के बाद अप्लाई कर दें, तीन दिन के बाद अप्लाई कर दें, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि आपने वो एरर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है और उन्हें फिर रेक्टिफाई कर दिया है, ठीक कर दिया है, फिर आप रीअप्लाई कर दें, हो सकता है अप्रूवल आ जाए। और ऐसा भी होता है कि आप एक हफ्ते बाद खुद ब खुद अप्लाई कर दें रीअप्लाई और कोई चेंजेस ना करें फिर भी अप्रूव कर दें एडसेंस। ये जिस तरह मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं एडसेंस के अंदर, हो सकता है अप्रूव कर दे, हो सकता है ना करें, ये तो यार कोई भी नहीं कह सकता है। जिस तरह मैंने कहा ना, कोई कहता है कि गारंटीड अप्रूवल मैं दिला के दिखा दूंगा कुछ भी हो जाए, बोलने की बातें, रिजेक्ट भी पड़ जाता है भाई बहुत मरतबा, लोग बताते नहीं है। मैंने तो खैर ओरिजिनल जब वेबसाइट बनाई थी मैंने बताया था कि मुझे क्यों रिजेक्ट पड़ा था, कंटेंट कम था, मगर इस पर कंटेंट ज़्यादा था तो अप्रूवल मिल गया और कंटेंट अच्छा था, अच्छी तरह डाला था मैंने इस वजह से। बाकी यार आप जो ये कहते हैं ना कि हमारी हिंदी ब्लॉग के अंदर वेबसाइट है या उर्दू ब्लॉग के अंदर वेबसाइट है तो अप्रूवल कैसे मिलेगा, देखिए मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ऑनेस्टली आपको सही बता रहा हूँ, मुझे नहीं एक्सपीरियंस है। हिंदी ब्लॉग्स पे भी मिलता है, उर्दू ब्लॉग्स पे भी मिलता है, लेकिन मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है उसके अंदर, तो मैं अनफॉर्चुनेटली आपको कोई भी इसमें मशवरा नहीं दे सकता। ठीक है, मुझे नहीं पता कि एडसेंस की क्या पॉलिसीज़ हैं जब वो कोई अगर रीजनल लैंग्वेज यूज़ अगर आप करते हैं या कोई अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं इंग्लिश के अलावा, हिंदी में उर्दू में बहुत लोगों को मिलता है अप्रूवल, बहुत लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन कोशिश ये करें कि आप जो भी कंटेंट डालते हैं वो कम से कम ऐसा हो कि वैल्यूएबल हो, हेल्पफुल हो, पढ़ने लायक हो, वेबसाइट को अगेन आप कम से कम कंप्लीट करके रखें। ऐसा नहीं हो कि कोई ब्रोकन लिंक हो, कोई भी नीचे भी कोई ऐसा एक लिंक ना हो आपका कि वो ब्रोकन हो, मतलब 404 नॉट फाउंड आ रहा है या कोई इनकम्प्लीट पेज हो, एक भी जगह आप ये ऐसी मिस्टेक नहीं करें। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स भी मैटर करती हैं एडसेंस के अप्रूवल के लिए, ये सारी चीज़ें आपको करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, 42 मिनट्स तक पहुंच गया हूँ मैं भी यहाँ पे, मैं जल्दी रैप अप कर देता हूँ इसके, ठीक है। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ही दी इसके अंदर। तो देखें ये सारी जो है मेरी एक समझ लें कि एक जर्नी थी स्टार्ट टू एंड, के मैंने किस तरह स्टार्ट किया मैंने और किस तरह मैंने पोस्ट्स डाली और किस तरह मैंने अपने क्लस्टर्स के अंदर काम किया, कीवर्ड रिसर्च मैंने किस तरह की और कितना वेट किया एडसेंस के लिए। जैसा मैंने कहा मैंने 5 to 6 मंथ्स काम किया था, लेकिन मेरी स्पीड कम थी काम की, ऑनेस्टली मैंने इतनी ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मेरी बाकी वेबसाइट्स भी, तो मुझे वहाँ पर भी काम करना पड़ता है, इस वजह से मेरे पास कोई इतनी जल्दी मैंने अप्लाई नहीं किया। लेकिन ये आपकी मर्ज़ी, आप जब चाहें अप्लाई कर दें एडसेंस पे। और देखें एक चीज़ हमेशा याद रखें कि अगर आपको लगता है ना कि एडसेंस से मुझे रिजेक्ट मिलता है, तो देखें मैं हमेशा ये नहीं कहता कि हमारी गलती होती है, लेकिन चांसेस ये होती हैं कि हमारी ही गलती होती है कहीं ना कहीं पे। हमें लगता है कि सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन एडसेंस या गूगल को नहीं लगता। हम कहीं ना कहीं, मैं कहता हूँ ना हमेशा कि हो सकता है कि हमें पता होता है हम फिर भी गलती करते हैं, हमें नहीं भी पता होता हमारे ना चाहते हुए भी हमसे कोई एरर आ जाता है या मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, हमारे चाहते हुए या ना चाहते हुए कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। कोशिश ये करें कि अपनी वेबसाइट को सिंपल रखें और जितना कंटेंट आप शुरू में डाल के रखेंगे उतना बेहतर है। कोशिश करें 40 से 50 आर्टिकल्स डाल दें मिनिमम, ताकि 3-4 कैटेगरीज हों, ताकि आप तो आराम से अपना काम करके और फिर तसल्ली रख सकें कि मैंने तो अपनी चीज़ें कंप्लीट कर दी, फिर आप वेट करें एडसेंस का अप्रूवल, हो सकता है मिले या शायद ना मिले, ये तो अब खैर एडसेंस पे ही डिपेंड करता है। मगर देखें ये एक मुझे एक केस स्टडी बनानी थी, मैं काफ़ी बनाता हूँ इसके ऊपर, और बस एक शेयर करनी थी मेरी जो क्या प्रोसेस था मेरा, किस तरह मैंने बनाई वेबसाइट को। तो देखें बाकी जो है ना, बाकी तो बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं उसमें, तो खैर जाना भी फजूल होगा मेरे लिए, तो मैं उसे रहने देता हूँ। तो बस ये प्लगइन्स वगैरह जिस तरह मैंने बताया, आप ये प्लगइन्स वगैरह डाल के रखें, रैंक पैंत हो गया या नीफ थीम का, अगेन थीम आपकी मर्जी है कोई भी यूज़ करें। देखें थीम पे इतना फोकस ना करें, कंटेंट पे फोकस करें वो बेहतर है। थीम तो जो भी सिंपल सी रखें आप, नीफ के अंदर भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन होती हैं, मैंने सिंपल सी रख दी है, कुछ भी नहीं है, एक नेविगेशन बार है, बीच में आर्टिकल्स आ गए और नीचे एक फुटर आ गया, उस पर कलर वगैरह मैंने अपनी मर्जी से डाल दी, और क्या डाला, कुछ भी नहीं। तो ये है एक इन डेप्थ केस स्टडी जो मुझे बनानी थी, ये सिर्फ एडसेंस के परस्पेक्टिव से मैंने बनाई थी, ताकि जिन लोगों को जो क्वेश्चंस करते हैं उन्हें मैं एक ही बार एक कंप्लीट वीडियो में एड्रेस कर दूं
और इसके अलावा भी अगर आपके कोई अगर क्वेश्चंस रहते हैं तो आप वो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की उसके। लेकिन आई थिंक ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो ये एक जर्नी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी इस वेबसाइट की, और किस तरह मुझे अप्रूवल मिला, किस तरह वेबसाइट बनाई थी, नीश वगैरह किस तरह मैंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।